हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज आपके लिए यूपी पुलिस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यूपी पुलिस का पेपर आप चाह रहे थे, बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, सर यूपी पुलिस का पेपर हमको दे दीजिए, कांस्टेबल का पेपर बता दीजिए कैसा आता है ताकि हम भी तैयारी कर लें। तो आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि ये 2019 का पेपर है। फिर 2020 में जो आई थी भर्ती, यानी 2021 में जिस पर ट्रेनिंग में गए थे वो वाला पेपर भी है, प्लस यूपी पुलिस जेल वार्डन वाला वो भी है, और यूपी पुलिस जो फायर पुलिस वाला था वो भी हैगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपके लिए मेरे पास 4-5 पेपर हैं यूपी पुलिस के, और इन पेपरों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, और इसी तरीके का अब की बार भी पेपर आएगा ये समझ लीजिएगा। और 53,000 यानी 50,000 और 53,000 की वैकेंसी आ रही हैं। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी के अभी तैयारी में लग जाइएगा। कुछ दिन बाद यानी कि हाल फिलहाल में ही आपका एप्लीकेशन भरे जाएंगे इसके, और बहुत जल्दी पेपर होगा और बहुत जल्दी इस पर यानी ज्वाइनिंग भी होगी। तो इसलिए आप सभी के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 53,000 की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और पुराने पेपरों का विशेष तौर पर ध्यान दें कि किस तरीके का आता है, स्ट्रेटजी वही है कि आपको क्या करना है, हिंदी रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, और जीके में आप देख लीजिएगा, जीके जनरल नॉलेज के सेक्शन में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ करंट अफेयर के आते हैं, कुछ संविधान के आते हैं, कुछ इतिहास के, कुछ भूगोल के, तो इस तरीके के प्रश्न जो बनते हैं, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हैं इसमें, फिजिक्स के कई सारे प्रश्न हैं, तो वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको तैयारी में आसानी हो जाएगी। कुल मिलाकर आपका 300 नंबर का पेपर रहता है, 150 प्रश्न आते हैं, और 150 में से आपका ये समझ लीजिए 125 का टारगेट रखिए, 115 के लगभग आपके क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपका जॉब लग जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और बाकी यूपी पुलिस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और मैं फिर से ये बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पेपर है ये आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इसकी तैयारी कीजिए। और कल से मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों का सॉल्यूशन कराऊंगा, मेरे पास में 4 पेपर हैं, 4 का सॉल्यूशन कराऊंगा, और आप भी सॉल्यूशन करके देखिए आप कितना सॉल्व कर सकते हो इसको, और तैयारी करने के बाद कितना कर सकते हो। मुझे यकीन है कि आप सब इस पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी तैयारी के बाद आप भी इसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है, और इसी तरीके का आपकी बार पेपर आएगा तो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।